नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज किसी एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो किया के और जो क्रेटा के जो टच स्क्रीन सिस्टम आते हैं, म्यूजिक सिस्टम, उसमें क्या क्या फंक्शनलिटी होती है वो इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। ये पहले देख लीजिए, क्रेटा गाड़ी है, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इस प्रकार से इसका टच स्क्रीन सिस्टम आता है। तो यहाँ पर आपके जो मीडिया के जो कंट्रोल हैं वो सभी इसके अंदर यहाँ पर आते हैं। रेडियो, नेविगेशन, मैप वगैरह सीधे जो कंट्रोल है सीधे आप वन क्लिक से वहाँ पर जा सकते हो सीधे ही। और यहाँ पर ये वॉल्यूम की नोब है, ये एक अच्छी बात है कि इसके अंदर वॉल्यूम की नोब आती है। क्रेटा में थोड़ी अलग आती है, सॉरी इसमें किया में आपकी थोड़ी अलग आती है, इसमें आपको जो नोब है वो आती है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं पहले मेन्यू में। इस प्रकार से गाड़ी का जो सेटअप है वो आता है, होम स्क्रीन इस प्रकार से आती है। वैसे आप चेंज कर सकते हो विजिट वगैरह, यहाँ पर आपको क्लॉक वगैरह मिलेगी, डेट वगैरह, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको। स्क्रॉल करने पर आपकी जो सेटिंग वगैरह है वो निकलेगी गाड़ी इसकी, जो म्यूजिक सिस्टम है इसकी। यहाँ पर इसके फ़ोन के कंट्रोल है, एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करता है, ये एयर प्योरीफायर के लिए कंट्रोल है, यहाँ पर मोड चेंज करने के लिए। यहाँ पर इसको लॉक कर सकते हैं जिससे कि जो पीछे बैठा वहाँ पर छेड़छाड़ नहीं हो सके, यहाँ से पीछे बैठा कंट्रोल है, ठीक है। ये रियर स्क्रीन के लिए है, ऑन करना है कि ऑफ करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके अंदर कंट्रोल है। दोबारा हम जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पर रेडियो है, यूएसबी वीडियो है, वो गाड़ी के चलते टाइम नहीं चलती, सिर्फ जो गाड़ी पार्क्ड है वहाँ पर उसी टाइम चलती है। यहाँ पर नेविगेशन इन बिल्ड इसके अंदर नेविगेशन आता है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती है, एप्पल कार प्ले सपोर्ट करता है, फेवरेट इसके अंदर कस्टमाइज़ कर सकते हो आप, इसे मीडिया कंट्रोल है। यहाँ पर मैप है, यहाँ पर वॉइस मेमो है, और यहाँ पर सेटिंग है। सेटिंग अंदर चलते हैं, सेटिंग अंदर आपको व्हीकल सेटिंग मिलेगी, जो कि यहाँ पर एमआईडी की जो सेटिंग है वो यहाँ पर नहीं हो सकती, इसलिए इस टच स्क्रीन के अंदर इसके अंदर डाला गया है। वार्निंग लाइट है, इसको कंट्रोल करने के लिए है। यहाँ पर लाइट्स हैं, उसको जो सेटिंग है फ्लैश की वो यहाँ पर होती है। यहाँ पर डोर की सेटिंग है कि भाई स्पीड गाड़ी पकड़ते ही गाड़ी लॉक हो जाए, स्पीड सेंसिंग जो लॉक है वो एनेबल डिसेबल सब कुछ है। जो ये यहाँ पर क्लस्टर की सेटिंग, सर्विस सेंटर वगैरह, जो यहाँ पर जो सेटिंग आती पहले वाली क्रेटा में वो इसमें यहाँ पर डाल दी गई है। वेलकम साउंड है, ऑन ऑफ करना है, कंटिन्यू सिलेक्शन है, रिफिलिंग है, जैसे रीसेट ट्रिप करनी है नहीं करनी है, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। कन्वेंस के अंदर बात की जाए तो इसके जो वेलकम मिरर लाइट है, जो इसके पेडल लाइट हैं वो आपको इसके अंदर नीचे मिलेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए है। यहाँ पर कंट्रोल, ये जो टेसी है उसको कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर रीसेट के लिए है। इस प्रकार से गाड़ी की जो सेटिंग है वो इसके अंदर आती है। सभी प्रकार की सेटिंग मैंने आपको दिखा दी, होम विजिट को भी एडिट कर सकते हैं, इसके आइकन को भी चेंज कर सकते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। मैप ओपन करते देखते हैं मैप में क्या है। मैप के अंदर अपन एड्रेस वगैरह से कुछ डाल सकते हैं, और जो भी कस्टमाइजेशन बहुत खूब है इसके अंदर, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैप, मैप, मैप। ये इसका इनबिल्ट मैप है। ये एक अच्छी बात है इसके अंदर, इनबिल्ट मैप है, सिर्फ इंडिया वाला हाईलाइट हो रखा है इसके अंदर। इंडिया का ऑफलाइन मैप इसके अंदर आता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम, इसके अंदर बोस का म्यूजिक सिस्टम आता है, मैं आपको म्यूजिक सिस्टम भी दिखा देता हूँ अभी आपको। साउंड सेटिंग, ये आपकी पोजीशन सेटिंग करने के लिए, ये वॉल्यूम लेवल है, सिस्टम साउंड ऑन रखना है कि नहीं रखना, फोन प्रोजेक्शन के लिए इक्वलाइजर है इसके अंदर, और ये वॉल्यूम रेशियो इसके अंदर आता है जो नेविगेशन के हैं, नेविगेशन वॉल्यूम, और एडवांस इसका जो बोस डायनेमिक स्पीड कंपैरिजन है जो बास को बूस्ट करेगा उसके लिए है। जो निचले वाले मॉडल है उसके अंदर आपको आरकम का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, वहाँ पर इसकी सेटिंग आरकम के नाम से आएगी। तो इस प्रकार से ये गाड़ी की सेटिंग आती है। अगर आप चाहते हैं इसकी जो साउंड क्वालिटी मैं आपको सुनाऊं तो आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, वहाँ पर इस गाड़ी की जो इसका म्यूजिक सिस्टम है बोस का, आप वहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।